एंड्रॉइड की बेस्ट एप्लीकेशन की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऐप टेक मास्टर को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरह का वॉलपेपर आप भी अपना खुद का बना सकते हैं। 3D वॉलपेपर है ये, और जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं अपने फ़ोन को हिलाऊंगा वैसे वैसे ये मूव करता है, यानी 3D लुक देता है। तो इस तरह का कुछ आप भी अपने फ़ोन से बना सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, मैं बात करने वाला हूँ इसी एप्लीकेशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं एपटेक मास्टर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर के सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना होगा ऊपर 3D वॉलपेपर। जैसे ही आप 3D वॉलपेपर टाइप करते हैं तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन इस तरह से खुल के आ जाएगा, जहाँ से आपको सबसे पहले ही ऊपर वाला ही इंस्टॉल कर लेना है। मैंने कर रखा है इसलिए मैं सीधे ओपन करके दिखाता हूँ। तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कई तरह के वॉलपेपर्स ऑलरेडी बने बनाए यहाँ पर मिल जाएंगे। चाहो तो आप इनको भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, अपनी स्क्रीन पर लगा सकते हो। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, कुछ इस तरह के वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। सुपर हीरोज़ के भी हैं, नेचुरल भी हैं और तमाम तरह के हैं। आप चाहो तो इनको भी डाउनलोड करके यहाँ पर सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ से आप खुद का एक वॉलपेपर क्रिएट करो, तो यहाँ से प्लस के आइकन पर आप टैप कर दीजिए। जैसे ही आप प्लस के आइकन पर टैप करते हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम तरह के वॉलपेपर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा ऐड लेयर, तो आपको इस पर टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ से एक और लेयर इस पर सेट कर देनी है, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से वो सेट कर सकते हो। उसके बाद इसको सिंपली दोनों फिंगर से छोटा या बड़ा करके कहीं पर भी आप रख सकते हो। लेकिन ये जो लाइन बनी हुई है सफ़ेद वाली, यहाँ पर आप इसके अंदर ही रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये आपकी स्क्रीन में आएगा, बाकी का आपकी स्क्रीन के बाहर से है। तो आपको यहाँ पर ही रखना होगा आपको इसे। मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद आपको वापस ऐड लेयर पे जाना है और एक और लेयर यहाँ से ऐड कर लेनी है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे इस तरह से लगा देता हूँ। इसके बाद जो लास्ट वाली लेयर है, यहाँ से आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपको चाहो तो यहाँ से फिर वापस से भी यहीं से कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके लगा सकते हो। नीचे लिखा हुआ है चूज़ गैलरी, वहाँ से आप चाहिए और वहाँ से अपना एक पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी पिक्चर आपने इरेज करके रखी हो। अब ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, आप इसको सिंपली दोनों फिंगर से छोटा या बड़ा करके जैसे भी चाहें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव, तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं इसको डायरेक्टली, और यहाँ से आप इसे पोस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से पोस्ट पे हम क्लिक करते हो। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें। उसके बाद आप सिंपली इसको शेयर कर सकते हो, ऊपर से यहाँ पर शेयर लिखा हुआ है, या फिर नीचे यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और ट्विटर भी मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन पे शेयर करना है तो यहाँ से ऊपर से शेयर कर देंगे। जैसे ही आप ऊपर शेयर करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएशन अपलोडिंग, तो ये अभी अपलोड हो रहा है, थोड़ी ही देर में ये अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ पर सबमिटेड लिख के आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से हमारा वॉलपेपर दिख रहा है। बस आपको सिंपली यहाँ से वापस जाना है, सेट एज वॉलपेपर कर देना है। जैसे ही आप सेट एज वॉलपेपर करते हैं आप वापस आ जाइए, यहाँ पर देख लीजिए आपका वॉलपेपर सेट हो चुका है। तो इस तरह से कुछ इससे भी अच्छे वॉलपेपर आप बना सकते हो, मैंने तो आपको जल्दी में बना के दिखाया है। आप चाहो तो इससे बहुत अच्छा वॉलपेपर अपने फ़ोन से बना सकते हो 3D, जो कि आपको एकदम 3D लुक देगा। जब भी आपका फ़ोन मूव होगा, जरा सा भी मूव होगा, तो ये आपको 3D लुक देगा। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एपटेक मास्टर को। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहिए एपटेक मास्टर।